नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर है फिरोजाबाद से। थाना मक्खनपुर के नई बस्ती नवादा में कल रात 10-11 बजे की ये घटना। बता दें, दीपावली की पूजा करते समय घर पर कर रहे पूजन में आग लग गई। आग लग जाने से पूरी नगदी और चीज वगैरह सब जल गई। नई बस्ती नवादा के राजेंद्र बाबू गुप्ता सन ऑफ रामेश्वर गुप्ता के घर पर पूजन करके वे बाहर घर के बाहर मोमबत्ती लगाने आ गए थे। उसके बाद भीतर जाकर देखा तो पूजा चौकी पलक का सब सामान, रुपया, सोने के आभूषण, पूरा चौकी का सामान लटका हुआ था। उसमें आग लगी हुई थी, तभी अचानक देखा आग लग चुकी थी। उसमें काफी नोट जल गए थे, सोने के आभूषण पूरे जल गए। शिवम गुप्ता ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए की नगदी, 45 लाख का सोने के आभूषण, वे भी जल गए। रामेश्वर लाल के बच्चे, तीनों बच्चे नोएडा में गाड़ी चलाते हैं, रात घर पर आए हुए थे, पूजा वगैरह की थी, पूरा सामान जलकर स्वाहा हो गया। दिक्कत जवाब दे दीजिए, पर्स रखो तो ना, तो हमने इनको डीएल वगैरह और पैसे कागज रखे हैं, डिजिटल पैसे सो रहा हूँ। इंजन करो ना, इंजन करे तुम चौकी पे सामान रखे देते ना, सोची तुम बाई पे रखी रही है। क्या नाम आपका? ये कैसे हादसा हुआ था? हादसा तो जे लक्ष्मी पूजन इन्होंने किया, अपने चीज वत गहना है ना रखे, कैसे रखे, इसके पश्चात जी पड़ाका देखने चले गए छत में मोमबत्ती लगाने के लिए। ठीक, ऊपर से जब आए हैं तो चूहे हुए कहीं से वो दिए चौकी पर वो लग गया है, उससे सारी आग लग गई है। ये कितने लगभग नुकसान हो गया इनका? ये नुकसान लगभग कैश होगा 1.5 लाख के लगभग, और 5-6 लाख की चीज गहना है। ये परिवार मतलब बहुत स्थिति खराब है। ऐसे भी परिवार जी गरीब परिवार है, अपने बाहर कमा के खाते हैं, जो लड़के गाड़ी वाड़ी चलाते हैं नोएडा वोडा में, वहाँ से भी त्यौहार पर घर पर आए, वहाँ से सारा मतलब हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि ये इनकी कुछ मदद हो, शासन से, प्रशासन से, हर स्तर से प्रयास किया जाएगा। अगर ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, ये वो तो बड़ा हादसा हो सकता था, ये बगल में सिलेंडर रखे हुए हैं, बगल में किचन है, किचन कहीं सिलेंडर फट जाते तो हो जाता, जानमाल का हमला भी हो सकता बड़ा। शिवम गुप्ता, क्या बात, कैसे ये घटना हुई थी? रात के 10:30 बजे के टाइम पे हम पूजन कर रहे थे, पूजन करके छत पे गए थे ऊपर दिया रखने के लिए, और वही नीचे आके देखा तो आग लगी पड़ी थी, 5-6 लाख रुपए की चीज़ जल गई है, 1-1.5 लाख रुपए कैश थे वो भी जल गए लगभग। कितनी चीज़ वगैरह थी इसमें? वो चीज़ क्या हार वगैरह सारे ही थे, वो 5-6 लाख रुपए की चीज़ थी टोटल। और नकदी कितनी थी? नकदी 1-1.5 लाख के आसपास। तो ये कैसे हुआ सर, मतलब कैसे? ये ऊपर दिया रखा था, दिया चौकी पे नीचे गिर गया, दिया चुगाने गिरा दिया, कैसे गिरा दिया है वो मालूम नहीं है, आग लग गई है उसमें। काफी क्या करते हैं आप? क्या नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ नोएडा में। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है, इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर।
फिरोजाबाद में एकमात्र डांस क्लास जो प्रयाग संगीत समिति अलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है, तथा जहां एक ही स्थान पर क्लासिकल डांस, हिप हॉप, बॉलीवुड जुम्बा के साथ साथ सिंगिंग, ड्राइंग तथा इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है। साथ साथ हमारे यहां बीए तथा एमए की शास्त्रीय गायन की कक्षाएं भी संचालित हैं। हमारा पता है जलेसर रोड सिद्धि विनायक मार्केट के सामने। फाउंडर डॉक्टर स्नेहा लता शर्मा, मोबाइल नंबर 9045672659 तथा 8192025199। आपका जाना पहचाना भरोसेमंद नाम सूफी टेलर्स। हमारे यहाँ किफायती रेटों में कोट पैंट, जैकेट, शेरवानी बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ सभी तरह का कपड़ा भी उचित रेटों में उपलब्ध है। दीपावली के मौके पर बेहतरीन ऑफर, कोट पैंट की सिलाई मात्र 2500 रुपए, थ्री पीस सूट की सिलाई 3000 रुपए में सिलवाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है सूफी टेलर्स, शान मोहम्मद उर्फ शानू, मोबाइल नंबर 9058878380 और 7055089620। नैनी ग्लास कारखाने के सामने अशरफ गंज रोड, फिरोजाबाद।